हेलो गाइस, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप अपने जो साइट मैप है, जो भी आपने साइट मैप को जनरेट किया है और जो भी आपने साइट मैप है आपके वेबसाइट का, उसे आप कैसे गूगल सर्च कंसोल पर सबमिट करोगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ आप उसे बिंग पर भी कैसे सबमिट करोगे। ठीक है, बिंग पर भी सबमिट करने से पहले पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इन दोनों को पे अपने सर्च कंसोल वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब कि बिंग पर भी आपकी वेरीफाई होनी चाहिए वेबसाइट एंड गूगल सर्च कंसोल पर भी आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई होनी चाहिए, तभी आप ये चीज कर सकते हो, अपने साइट मैप को सबमिट कर सकते हो इन साइट्स पे। ठीक है, मेरी साइट्स ऑलरेडी सबमिटेड है बिंग पर भी और गूगल सर्च कंसोल पर भी। जिसको भी नहीं पता कि कैसे वेबसाइट बिंग पर सबमिट करते हैं या गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करे, वो हमारे चैनल की पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे खोलूंगा सर्च कंसोल, अपने जो भी है सर्च कंसोल, गूगल का सर्च कंसोल खोलूंगा। मैंने खोला ही होगा, या आप अगर पहली बार खोल रहे होंगे, दूसरी बार खोल रहे होंगे, पहली बार तो आपने अपने वेबसाइट को कनेक्ट किया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे खोलोगे। आपको सिंपल लिखना है गूगल सर्च कंसोल, जैसे ही आप ये लिखोगे आपके सामने वेबसाइट मिलेगी, वेबसाइट पे जाके लिखना है आपको साइन इन पे क्लिक करना है, स्टार्ट नाउ या साइन इन कहीं से भी कर सकते हो। साइन इन मेरा ऑटोमेटिकली हो चुका है क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना है साइट मैप का, यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड बार में ऑप्शन दिख रहा है। साइट मैप के टैब पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे अपने साइट मैप का जो लास्ट का यूआरएल है सिर्फ वही एंटर करना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ साइट मैप को ओपन कैसे करते हैं। डोमेन नेम, जैसे मेरा जो भी डोमेन का नाम है, ये जैसे मेरा डोमेन का नाम है, डोमेन नेम स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, इसको मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ मेरे सामने साइट मैप खुल जाएगा, साइट मैप खुल जाएगा। मुझे अब साइट मैप के यूआरएल को डालना है, जैसे कि पूरा यूआरएल नहीं डलेगा यहाँ पे, सिंपल डलेगा साइट मैप डॉट एक्सएमएल। कई बार ये फेच नहीं करता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो आपको क्या करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप करोगे, ठीक है, अब देखते हैं ये वेरीफाई हो चुका है नहीं। ये देखिए कुड नॉट फेच, मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था, कुड नॉट फेच नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप इस यूआरएल को देखिए, साइट मैप हाइफन इंडेक्स डॉट एक्सएमएल ये है, तो ध्यान से इसे कॉपी करेंगे एंड देन इसे पेस्ट करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे, अब आपका ये फेच हो जाएगा। ये देखिए साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, ये देखिए अब मेरे दोनों सबमिट हो चुके हैं। अगर बाय चांस फिर भी आपका नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, आपके साइट मैप पे जितने भी, जैसे पोस्ट का साइट मैप है, मेरा पेज का साइट मैप है, ये देखिए, तो मैं इन साइट मैप को पोस्ट हाइफन साइट मैप डॉट एक्सएमएल इसको यहाँ कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सबमिट करूंगा, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तब मेरा साइट मैप 100% हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट है जैसे, तो प्रोडक्ट के साइट मैप को यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये चीज है, तो मेरा यहाँ पे साइट मैप सबमिट हो चुका है गूगल पर, गूगल सर्च कंसोल पर। अब हम चलेंगे बिंग पर, बिंग पर सबमिट करने। ठीक है, तो चलिए मैं आप बिंग को ओपन कर लेता हूँ। बिंग वेब मास्टर आपको ये लिखना है, बिंग वेब मास्टर, बिंग वेब मास्टर पे भी आपको अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी, अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी होगी, और मेरी ऑलरेडी वेरीफाइड है, किसी को नहीं पता तो चैनल पे वो जा सकती है, उसके भी वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आई बटन में हम आपको उसका लिंक भी दे देंगे, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको किसी को फिर भी कनेक्ट करने की प्रॉब्लम आ रही होगी आप हमें सोशल मीडिया पे बता सकते हो। और यहाँ पे मैंने बिंग का पैनल खोल लिया, बिंग के मेरी वेबसाइट ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो चलिए अब मैं जाऊंगा बिंग पे। मैंने वो यूआरएल को कट कर दिया था, फिर से मैं अपने साइट मैप के यूआरएल को खोल लेता हूँ। ये देखिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल, अब यहाँ पे, वहां पे तो मैंने सिर्फ साइट मैप डॉट एक्सएमएल या साइट मैप इंडेक्स डॉट एक्सएमएल को किया था, यहाँ पे मुझे पूरे के पूरे यूआरएल को कॉपी करना होता है बिंग में। मैं वही बता रहा हूँ, बिंग में थोड़ी प्रोसेस अलग है। रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरा पेज लोड अब तक नहीं हुआ, ये देखिए आगे मेरे सामने वही लेफ्ट साइड बार में, यहाँ पर मेरे सामने साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है। लेफ्ट साइड बार में साइट मैप का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे क्लिक करोगे, आपको सबमिट साइट मैप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कंप्लीट यूआरएल डालना है, कंप्लीट यूआरएल, ये देखिए साइट मैप हाइफन इंडेक्स डॉट एक्सएमएल, अगर किसी का साइट मैप डॉट एक्सएमएल से खुल रहा है उसका डाल दो, मेरा इंडेक्स डॉट एक्सएमएल से खुल रहा है, मैंने वो डाल दिया। सबमिट साइट मैप, जैसे ही मैं सबमिट साइट मैप करूंगा ये देखिए प्रोसेसिंग में है, मेरा साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अभी यहाँ से यूआरएल्स को फेच कर लेगा। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर से सबमिट कर सकते हो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं या फिर भी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हम आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे।